आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस को एक परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। टिकट कटने से नाराज उदित राज ने छोड़ा भाजपा का साथ, राहुल गांधी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत, चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका हुई खारिज, मालेगांव धमाके की आरोपी है प्रज्ञा। सूचना के अधिकार से हुआ खुलासा, कमलनाथ की दावोस यात्रा पर हुआ 1,58,00,000 रुपए खर्च। और कांग्रेस नेता अजय सिंह शब्दों की मर्यादा से भटके, बीजेपी सांसद रीति पाठक को उन्होंने कहा वो ठीक माल नहीं है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा आज तक का इतिहास उठाकर देख लें, आप इस एक परिवार के अलावा और किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। इस परिवार के अलावा कांग्रेस को भारत में कोई और रत्न नजर ही नहीं आता। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी भगवान बिरसा मुंडा नहीं दिखे। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखे। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी सरदार पटेल भी नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इस कड़ी में पीएम मोदी बुधवार को झारखंड के लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। मोदी ने यहां एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो कांग्रेस में आप इस एक परिवार के अलावा और किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। इस परिवार के अलावा कांग्रेस को भारत में कोई और रत्न ही नहीं दिखता। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखते। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिखते। कांग्रेस अपना हर फैसला नामदार के परिवार के हितों के ध्यान में रखते हुए लेती है। देश का कुछ भला हो जाए, देश के गरीबों का कुछ भला हो जाए, इसकी उसने कभी परवाह नहीं की। मोदी ने कहा कि कल ऐसा शानदार जानदार दृश्य था जो देखते ही बनता था। राजभवन तक एक इंच ऐसी जगह नहीं थी जहां पूरा रांची शहर खड़ा होकर आशीर्वाद न देता हो। दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का मिजाज क्या होता है, ये झारखंड वालों ने कल दिखा दिया। आपकी इस ललकार ने दिल्ली की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे भ्रष्टाचारियों महामिलावटियों में हड़कंप मचा दिया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब बात करेंगे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की। टिकट कटने से नाराज चल रहे सांसद उदित राय ने भाजपा छोड़ दी। बुधवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। खबर है कि कांग्रेस उन्हें यूपी से कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। पूरी यूपी की किसी सीट से उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है। उदित राय बुधवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 में उदित राय ने दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ा था और सांसद चुने गए थे। इस बार भाजपा ने यहां से हंसराज हंस को टिकट दिया है। इसके बाद बगावती तेवर दिखाते हुए उदित राज ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द हटा लिया था। अब उदित राज का कहना है कि उन्होंने पार्टी नहीं बल्कि पार्टी ने उन्हें छोड़ा है। वहीं भाजपाई खेमा उदित राज के इस फैसले को मौका प्रसिद्ध बता रहा है। उनका कहना है कि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ना और विपक्षी पार्टी से हाथ मिला लेना गलत है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब बात भोपाल लोकसभा की, लेकिन ये खबर मुंबई से है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत दी है और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बम धमाकों की आरोपी हैं। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई के एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है। इस पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है, वो विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, वो साबित करना चाहती हैं कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है, यही कारण है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। मालेगांव बम धमाके के एक पीड़ित के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने इस पर साध्वी प्रज्ञा से जवाब मांगा था। साध्वी ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, ये केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, उस पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बीजेपी पूरे दमखम के साथ भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए डमी कैंडिडेट के रूप में सांसद आलोक संजर से भी फॉर्म भरवाया गया था। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे भोपाल की। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। उनके घर पर सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी को तैनात किया गया है। वहीं साध्वी के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। अचानक साध्वी प्रज्ञा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CSP स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है। अब हर वक्त साध्वी के घर पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं आसपास की हर हलचल पर नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी सुरक्षा का ऐसा ही घेरा रहेगा। वो प्रचार के लिए जहां भी जाएंगी तो पुलिस की पायलट गाड़ी उनके साथ रहेगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सुरक्षा बढ़ाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई है ताकि किसी भी सूरत में वे हम पर ये आरोप नहीं लगा सकें कि मेरे पास माकूल सुरक्षा नहीं है। मंगलवार को जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट गई थी तो NCP के जिला अध्यक्ष ने उन्हें काला झंडा दिखाया था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ी हुई। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसी साल जनवरी में आयोजित हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ और प्रदेश के 3 आला अधिकारियों की यात्रा पर 1,58,00,000 रुपए खर्च किया गया। ये खुलासा एक RTI कार्यकर्ता अजय दुबे ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की दावोस यात्रा पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1,58,00,000 रुपए खर्च किए। राज्य सरकार ने RTI कार्यकर्ता अजय दुबे को ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान CM और अधिकारियों के स्विट्जरलैंड में रहने के खर्च का ब्यौरा भी जानकारी में दिया गया है। CM कमलनाथ के साथ मुख्य सचिव SR मोहंती, मुख्यमंत्री के PS अशोक वर्णवाल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग मोहम्मद सुलेमान वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में भाग लेने के लिए गए थे। राज्य सरकार ने यात्रा का मकसद बताया कि डेलीगेशन के सदस्यों द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के तहत बड़े निवेशकों पॉलिसी मेकर से मुलाकात करना था और प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और उपलब्ध जरूरी संसाधनों की जानकारी फोरम में शामिल हुए सदस्यों को देना था। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में यह भी कहा गया, अगर ये यात्रा नहीं की गई होती तो सरकार विदेश में प्रदेश में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को रिझाने का एक मौका गंवा देती। जानकारी में बताया गया कि दावोस जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल के वीज़ा और एयर टिकट पर 30 लाख का खर्चा आया। 45 लाख होटल, 9.5 लाख रुपये लोकल कन्वेंस, 2 लाख रुपये ज्यूरिख के VIP लाउंज पर, 50,000 ट्रेवल इंश्योरेंस और 40 लाख रुपए DIPP लाउंज में भाग लेने और प्रमोशन मटेरियल का खर्चा आया। RTI कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि सरकार द्वारा दावोस यात्रा के नाम पर किया गया करोड़ों का खर्चा बचाया जा सकता था। इसके बदले करदाताओं के पैसे का और भी कुछ सदुपयोग हो सकता था, वो भी उस वक्त जब सरकार का खजाना खाली है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भाजपा की मोदी सरकार के कामों को ऐतिहासिक बताते हुए एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार ने जो काम किया उससे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है।
बीजेपी की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रीवा पहुंची, जहां उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने भाजपा के 5 वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। 14 देशों से जब 40 लोग हारे जाए तो सरकार के पास एक मौका था कि वो 14 देशों का साथ लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अलग कर सकते, लेकिन उन्होंने वो मौका दबाया। सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और भाजपा के 5 वर्षों के कार्य का बखान किया। स्वराज ने कहा कि 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्र की सरकार को वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 मुद्दों में पहला मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा मुद्दा देश के विकास की बात का है और तीसरा मुद्दा लोक हित में सरकार की भूमिका। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये थी रीवा से सुषमा स्वराज। अपने बोलने के अनोखे अंदाज के कारण वो जानी जाती हैं, लेकिन इस बार सुषमा स्वराज लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से। बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठग बदनंद के नेताओं को तो ये तक नहीं पता है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। विदिशा में ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा। महागठबंधन को ठग बंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि वहां नेतृत्व कौन करेगा ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने देश को नई दिशा दी है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, यही भाजपा सरकार की नीति रही है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य विकास और जन कल्याण है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में ही झूठ, वादा खिलाफी, बेईमानी की सरकार सबने देख ली। शिवराज ने कहा आपके 1 वोट से 2 काम होने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बने और इस बार 1 वोट से 2 काम होना है। इनने जो वादा खिलाफी की है, बेईमानी की है, झूठ बोले, अब तो बौखला रहे हैं। एक वो वीडियो वायरल हुआ, देखा होगा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि 15 लाख कोई को मिले, देख नौजवान ने हाथ खड़ा कर दिया। और जब उसने कहा कि हमारे तो वसूल हो गए, स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो गई, तो धक्के देकर बाहर उतरवा दिया। तो ये बौखला रहे हैं। बौखलाई हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी सुगठित टीम यहाँ खड़ी है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। शिवपुरी से गुना जा रही भिंड कोटा पैसेंजर के इंजन में आग लग गई। आनंद फानंद में ड्राइवर ने ट्रेन को रोका और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया। बताया जा रहा है इंजन के ऊपरी हिस्से में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। तेज हवाओं के बीच उस समय भिंड कोटा पैसेंजर बर्निंग ट्रेन बचने से बच गई, जब अचानक ट्रेन के इंजन ने भीतर ही भीतर आग पकड़ ली। शिवपुरी से गुना जा रही भिंड कोटा पैसेंजर सामान्य गति से दौड़ रही थी। तेज हवा के बीच अचानक ट्रेन के ड्राइवर को कुछ जलने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा कि इंजन के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग भड़कने से पहले ही ट्रेन को रोक लिया और तत्काल आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शिवपुरी और गुना से राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। ट्रेन को म्याना के पास रोका गया। इंजन में से धुआं निकलते देख घबराकर लोग ट्रेन से बाहर आ गए। अगर समय पर ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ट्रेन का अगर ड्राइवर चौकन्ना नहीं होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। अमित शाह ने हिंदू टेरर पर दिग्विजय सिंह को दो दो हाथ करने का चैलेंज दिया। उन्होंने पुलवामा और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता से मोदी को वोट देने की अपील की। छतरपुर के राजनगर में विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में उतारा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्गी राजा ने भगवा आतंक की पटकथा लिखी थी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिंदू आतंक के नाम पर झूठा फंसाया था। हिंदू टेरर पर उन्होंने दिग्विजय सिंह को दो दो हाथ करने का चैलेंज दिया और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता से मोदी को वोट देने की अपील की। मैं आज पूछना चाहता हूँ दिग्गी राजा को, कि आपने कहा था कि भगवा आतंक है, हिंदू टेरर है, हम तो कोर्ट की लड़ाई लड़े, निर्दोष छूट गए, अब आ गया कोर्ट से वर्डिक्ट कि हिंदू टेरर था ही नहीं, इस षड्यंत्र था। पूरी दुनिया में आपने देश की संस्कृति को बदनाम कर दिया। जो हिंदू जाति, जो हिंदू संस्कृति कभी देश के बाहर किसी का नुकसान नहीं किया, उसको आपने आतंकवादी बताया। इसके सामने हमारा सत्याग्रह है, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नॉमिनेशन, इसके सामने हमारा सत्याग्रह है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने चौकीदार पर स्वयं माफी मांग ली और साबित कर दिया कि वह सबसे बड़े झूठे नेता हैं। चौकीदार चोर है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो हाथ जोड़ के बोले माफी मांगता हूं, चौकीदार चोर नहीं है। यू टर्न मार दिया। कैसे अध्यक्ष पाए हैं कांग्रेस ने, कहते सारे मोदी चोर है। लगता है कि उम्र मुझे पता नहीं कितनी, लेकिन मानसिक आयु तो 5-10 साल की है इस भाई की। मध्यप्रदेश में झूठ बोला, झूठ का रिकॉर्ड बनाया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। छतरपुर में लोकसभा चुनाव के चलते रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति कार से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। कैश बरामद होने के बाद व्यापारियों में खलबली मची हुई है। पुलिस ने कैश जब्त कर कार्रवाई शुरू की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। आदर्श आचार संहिता के चलते तय राशि से ज्यादा रखने पर कैश को जब्त किया गया। कार व्यापारी आशीष असाठी की बताई जा रही है। व्यापारी के द्वारा कैश का हिसाब न दिए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ और उसने कैश जब्त कर लिया। कैश पकड़े जाने की खबर के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नगद राशि मिलने की बाद एसएसटी ने जांच शुरू कर दी है। जब्ती की कार्रवाई तहसील कार्यालय में की गई। एसएसटी प्रभारी पराज चौकी द्वारा 5 लाख रुपए ले जाते हुए जब्त किए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता में जो 50,000 का लिमिटेशन है उससे अधिक है, अतः राशि जब्त कर ट्रेजरी की सुपुर्दगी में दी जा रही है। आज एक अल्टो वाहन में 5 लाख रुपए नगद लेके ये आशीष कुमार असाठी ईसानगर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान नगद राशि गाड़ी में पाई गई, जिसकी जब्ती बनाई गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब बात फिर राजनीति की। कांग्रेसी दिग्गज अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह शब्दों की मर्यादा से भटक गए और सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक को उन्होंने माल कह दिया। एक चुनावी सभा में उन्होंने रीति पाठक के लिए कहा,
उनका तो अजमाए चुके, वो ठीक माल नहीं बा। अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह को एक समझदार राजनेता माना जाता है। अजय सिंह सीधी से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सीधी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक को माल कह दिया। शब्द की मर्यादा का ख्याल रखने वाले अजय सिंह से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि वे इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग किसी महिला के लिए करेंगे। उन्होंने लोगों को बघेली में संबोधित करते हुए कहा, उनका तो अजमाए चुके, वो ठीक माल नहीं बा। अजय सिंह मध्य प्रदेश में मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन वे सदैव घटिया शब्दों से बचते रहे हैं। लेकिन इस बार वह कुछ भटके हुए नजर आए और एक महिला के साथ माल जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी एक बार अपनी ही पार्टी की मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कह चुके हैं। न लौट के आई, न सांसद मत से कौनो चीज अपना के या गांव या बड़ौर में कही दी। तो भैया उनका तो अजमा चुके, वो ठीक माल नहीं बा। हम आवाज दाऊ साहब और सेवा की नहीं कि नहीं भाई को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सीधी संसदीय क्षेत्र में उनका सेवा है कि नहीं है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। चुनाव है, राजनीति है, इसलिए सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हमारे देश की परंपराएं ऐसी नहीं है कि महिलाओं के बारे में कभी भी सार्वजनिक स्थानों से इस तरह की टिप्पणी की जाए। जब भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं तो उनका लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। अब हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो बहुत मजा आ रही है, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं भन्नाट किस्म के। अभी देखो दिग्विजय सिंह साहब का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने एक लड़के से पूछ रहे हैं कि तेरे खाते में 15 लाख आए क्या, अकाउंट नंबर दो मुझे। वो लड़का आया मंच पे, आकर बोला कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मेरे तो 15 लाख वसूल हो गए। उसको ऐसा धक्का मार के निकाला बाहर, और बीजेपी वालों ने उसका सम्मान कर दिया, बता रही। और मेरा कहना है, आप ग्लोबल भोपाल की बात कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना, ये फालतू बातें, ये ओल्ड फैशन, 15 लाख की पुरानी चीज़ें हो गई, अब कोई सुनता नहीं है इनको। वो बताओ नया क्या करने वाले। हाँ, और एक वीडियो और मस्त, ये नंदकुमार सिंह चौहान जो हैं, बीजेपी के अध्यक्ष थे पहले, सांसद भी रहे, एक इनका वो वायरल हो रही है। हाँ, और उसमें जब जैसे पहले एक वो बोला था ना, राहुल गांधी का वायरल हुआ था कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, और ये कह रहे हैं एसी मशीन बनाऊंगा, एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आदमी डालूंगा, उधर से बाई निकालूंगा। बताओ, ये बहुत मजा आ रही है इस समय तो, है बहुत इंटरटेनमेंट चल रही है। और ये एक नया स्टार्टअप देख लो, ये इंदौर की खबर है, यहाँ पे 12वीं तक पढ़ा हुआ वही लड़के ने एक नया स्टार्टअप किया, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल दिया भैया पूरा। हाँ, और वो स्पेशल 26 मूवी देखी थी ना, जिसमें अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार कर लेते हैं ऐसी, तो वहाँ से इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपना चालू कर लिया और छापे आपे मार दिए। और बाद में बताए ये पकड़े गए, कुछ पैसा वैसा भी कमा लिया थे इनने। तो अब मोदी जी भैया रोजगार दो, नहीं तो ऐसे स्टार्टअप शुरू करेंगे ये लड़के। हाँ, और ये खबर इधर देख लो, ये जो सनी देओल साहब हैं, जो 2.5 किलो का जिनका हाथ है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी वाले बोले हमारे भी 2.5 किलो का हाथ हमारे पास आ गया है, ताकत आ गई। ये गुरदासपुर से इनको टिकट भी दे दिया है, बीजेपी वाले फूले नहीं संभाले, 2.5 किलो के हाथ दिखा रहे हैं ऐसे। और ये खबर, अच्छी खबर इधर बता रही हूँ, बजरंग पूनिया जो अपने पहलवान है, इन्होंने कहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड ले लिया। और मैं कह रहा हूँ अभी लौट के आ रहे हैं, इनको चुनाव में लगा दो, ये सब नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं ना अपने पॉलिटिशियन, इनको अच्छे से कुश्ती करना सिखा दे। हाँ, और मैं भी चला भैया अखाड़े, अपनी बॉडी वाड़ी बनाऊंगा, अखाड़े पीरवानी करूंगा। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज़।